ये हजरत शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ है। कहा कि इनका देना रहा है 42 साल जब खिदमत की है, तो जब देना रहा है तो जब पर्दा करना हुआ मलाइका जिन्नात फरिश्ते सब आ चुके, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, और जब तशरीफ लाए हैं तो न किसी से पूछिन यानी नमाज के लिए, न किसी का इजाज़त दिन, खुद खड़े लखनऊ में ही जो है, तो आपका जगह खाली है, वहाँ जाके बादशाहियत करिए। तो ये शेख सामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हैं, तो अभी आपको अंदर भी बारगाह की ज़ियारत कराएंगे, और इनका किस्सा हमारे साथ कर हमारे हकीम जी हैं जो बताएंगे, क्योंकि जो लखनऊ में आपको पता होगा जो दरगाह है, वो दरगाह हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नाम से जानी जाती है, लेकिन हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह ये है, और वो हज़रत ग़ुलाम मीना शाह थे। तो ये वाक़या क्या है, हम सीधे हकीम जी से मालूम करते हैं या यहाँ पे जो खादिम हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तो आप लोग पहले ज़ियारत कर लें, ये बारगाह की ज़ियारत है, और जिन लोगों को भी सलाम अर्ज़ करना है वो अपना सलाम अर्ज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं भी, अब जो व्यूवर्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए इस मुकद्दस बारगाह पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। तो आप लोग ये मंज़र देख सकते हैं, ये और यहाँ पर हम ये खादिम हैं, तो इनसे जानना चाहते हैं। ये बताइए, ये हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हैं, और जो लखनऊ में चौक में दरगाह हैं वो भी हज़रत शामीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानी जाती है, क्या वाक़या पूरा था? वो गुलाम मीना शाह 42 साल खिदमत की। अच्छा, तो उनका नाम शामीना शाह कैसे पड़ा? ऐसा है कि इनका देना रहा है 42 साल जब खिदमत की है, तो जब देना रहा है तो जब पर्दा करना हुआ तो ये हट गए, शिकार चले गए, जब यहाँ पर्दा कह गए मट्टी होगा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं यहाँ, तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहा पंजा रखने का, आने हुर मलाइका जिन्नात फरिश्ते सब आ चुके, तो अब सहारा देखा थे कि भाई अब कह खड़े हैं, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, और जब तशरीफ लाए हैं तो न किसी से पूछिन यानी नमाज के लिए, न किसी का इजाज़त दिन, खुद खड़े हुए गए, समझो, तो उन्होंने नमाज पढ़ाया। अच्छा, हजरत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा जो है हजरत इमाम हुसैन पढ़ाई, फिर मट्टी जब हो गए है यानी जब हजरत शामीना अलैहिस्सलाम उनका शामीना साहिब का यानी जब रख दिन इनके शामीना के साहिब के जो है नाम उनका रख दिन हुआ, तब उनसे कहें कि ऐसा है आप मजगवा से घुमा लखनऊ में ही जो है, तो आपका जगह खाली है, वहाँ जाके बादशाहियत करिए, समझो, अगर लखनऊ बड़ी तो यानी खुश ना हो घटी तो रंजना की हो, समझो, और वहाँ जाके आप बादशाहियत करिए। अच्छा, उसके बाद में फिर जब मट्टी जब हो गए पटनी होने के बाद में जब आप आएंगे फौरन, तो ये इन्होंने पूछा कि यह कैसा मंजर है, तो कहें कि आपके वालिद तो आप तलाक दे से गिर गए, बेहोश हो गए, फिर दुआ मांगे, समझो, फिर होश जब आवा तो आप तलब गए अमानत के लिए, ये अमानत कहाँ है, तो उन्होंने यानी लाइक आपके आगे पेश कर दिया, तो जब आप उठावे लगे तो नहीं उठा, तो आप मुबारक बोले कि आपको मुबारक हो, मेरे वालिद ने आपको अता किया है, और जितना अता कही नहीं उतना हमोश मिल जाए, और जो कुछ कमती हो तो वह बताइए, तो दो हिस्सा ये आपके बेटे दीन है उनका। हाँ, कहें कि मेरे पास अल्लाह उनका वालिद का मेरे पास कमाई नहीं है, यानी अल्लाह का दिया हुआ सामान मेरे पास है, और जो मखदूम साहब कहेंगे वही लब आपके गुलाम से कहीं नहीं, आप आने गुलाम से। आपका नाम क्या है? हजरत ठीक है, हमारा अब्दुल हक खादिम। हाँ, और दरगाह में जो आराम हमारे मदद से उनका नाम, ये तो वैसे शामीना साहब हजरत शामीना साहब, लेकिन इनको
600 बरस हो गए। दोस्तों अगले वीडियो में हम हजरत शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वो वीडियो भी आपको मिल सके।